Hello students, welcome back. This is Rajkumar Yadav and we are going to see the topic 4, the reading mania. तो सबसे पहले हम देखते हैं ये मेनिया का मतलब क्या होता है. MANIA. मेनिया का मतलब होता है a great enthusiasm for something. उत्साह का अतिरेक. किसी भी बात के लिए आप बहुत ज्यादा excited हो तो उसको बोलते हैं एक टाइप का मेनिया. तो रीडिंग के लिए इतना ज्यादा enthusiasm जो था वो अब आपको देखने को मिलेगा. Through the 17th and 18th centuries, literacy rates went up in most parts of Europe. Churches of different denominations set up schools in villages carrying literacy to peasants and artisans. अब देखो 17th और 18th century में हुआ क्या था? यूरोप के ज्यादातर parts के अंदर literacy rate काफी बढ़ने लगा था. मतलब पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ने लगी थी. अब ऐसा कैसे हुआ था? जो churches थे ना, अलग अलग denominations के churches ने विलेजेस में स्कूल्स सेटअप करने स्टार्ट कर दिए और गरीबों को, मतलब के फार्मर्स को और कारीगरों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था. यहाँ पे ये वर्ड है डिनोमिनेशन, इसका मतलब ये इधर साइड में लिखा हुआ है. डिनोमिनेशंस का मतलब होता है सब ग्रुप्स विद इन अ रिलीजन. एक समुदाय, एक रिलीजन के अंदर ही उसके अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स. बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोप लिटरेसी रेट वर एज हाई 60-80%. तो 18th There were almanacs or ritual calendars along with ballads and folktales. तो ballads और folktales के साथ साथ में ritual calendars भी थे. ये almanacs का मतलब होता है ritual calendars. अब आपके सबके घरों में हो सकता है पहले के जमाने में ऐसे calendars हो जिसके अंदर सब कुछ दिखाया जाता है कि अमावस कब है, पूर्णिमा कब है, कब कौन सा ग्रह किधर होगा, ये सब कुछ दिखाया जाता है. एक पूरे साल की रिपोर्ट होती है कि कौन सी राशि में क्या आएगा, कौन सी राशि का टाइम कब होगा, ये सब. तो वही इंग्लिश कैलेंडर्स में जो होता था ना, ये लिखा है एनुअल पब्लिकेशन गिविंग एस्ट्रोनॉमिकल डेटा, इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोमेंट्स ऑफ द सन एंड मून, टाइमिंग ऑफ फुल टाइड्स, एक्लिप्सिस, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब. ठीक है, और ये सब बातें कॉमन पीपल की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस की थी, इसलिए इसमें छापा गया था इन सब के बारे में. तो एल्मेनेक्स बनने लगे थे बैलेट्स और फोकटेल्स के साथ साथ में. लेकिन जो दूसरे फॉर्म ऑफ रीडिंग थे वो भी मैटर करते थे ना. दूसरे फॉर्म ऑफ रीडिंग मतलब क्या, कि एंटरटेनमेंट को लेकर सब लोग खाली पढ़ते थे, सिर्फ मजे के लिए पढ़ने के लिए पढ़ते थे. तो ये भी ऑर्डिनरी लोगों के हाथ में जाने लगा था. इन इंग्लैंड पेनी चैप बुक्स वर कैरिड बाय पैटी पेडलर्स नोन एज चैपमैन. तो इंग्लैंड के अंदर पेनी चैप बुक्स मतलब छोटी छोटी पॉकेट साइज बुक्स होती थी जिसको पेडलर्स कैरी करके ले जाते थे. अब इन पेडलर्स को बोलते हैं चैपमैन. और ये लोग बुक्स बेचते थे पेनी में. They sold for a penny. Penny बहुत छोटा अमाउंट होता है, ताकि गरीब लोग भी बाय कर सके. और फ्रांस के अंदर थे बेलियोथेक ब्लू जो लोग, जो लो प्राइस स्मॉल बुक्स थी, विच वर लो प्राइस स्मॉल बुक्स प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर एंड बाउंड इन चीप ब्लू कवर्स. तो ये छोटी बुक्स होती थी, स्मॉल साइज वाली, पुअर पेपर क्वालिटी होती थी इनकी और सस्ते ब्लू कवर्स इसके ऊपर होते थे. बाद में रोमांसेस के ऊपर भी बुक्स आने लगी थी जो 4-6 पेजेस पे, और द मोर सब्सटेंशियल हिस्ट्रीज भी आने लगी थी. इतिहास के बारे में भी लिखा जाता, स्टोरीज लिखी जाती. और बुक्स अलग अलग साइज की होती, अलग अलग पर्पस को सर्व करती और अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से होती थी. The periodical press developed from the early 18th century, combining information about current affairs with entertainment. तो periodical press develop होने लगी थी, मतलब कि कुछ books हफ्ते में आती एक बार या फिर महीने में एक बार आती ऐसे. तो sorry, तो ये book early 18th century में आने लगी थी. इस तरह की books, periodicals छपने लगे थे जिनके अंदर current affairs के साथ साथ थोड़ा बहुत entertainment भी होता था. और newspapers और journals के अंदर इन्फॉर्मेशन होती थी वॉर को लेकर, व्यापार को लेकर, और यहाँ तक कि बाकी सारे जगहों पे कोई भी न्यूज़ है डेवलपमेंट की उसको लेकर भी. इसी तरीके से जो साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स के आइडिया थे वो अब ज़्यादातर कॉमन पब्लिक को मिल पा रहे थे बुक्स के वजह से. एंशियंट और मिडवल साइंटिफिक टेक्स्ट थे जितने भी पुराने ज़माने के, और मिडवल टाइम के जो साइंटिफिक बुक्स थी वो भी कंपाइल होने लगी थी और पब्लिश होने लगी थी. मैप्स और साइंटिफिक डायग्राम्स भी लोगों को मिलने लगे थे प्रिंट के जरिए. तो जब साइंटिस्ट जैसे कि आइजैक न्यूटन ने अपनी डिस्कवरीज को पब्लिश किया तो ये लोग अपने बहुत बड़ी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर पा रहे थे. साइंटिफिकली माइंडेड रीडर्स जो थे उनको काफ़ी इन्फ्लुएंस कर पा रहे थे.
अब इनकी बुक्स को तो वही पढ़ेंगे जो साइंस को लेकर काफी इंटरेस्ट रखते हैं। तो साइंस को लेकर इंटरेस्ट रखने वाले जितने भी लोग थे, इनको काफी इन्फ्लुएंस किया था न्यूटन की बुक्स ने। और जो थिंकर्स थे जैसे कि थॉमस पेन, वॉल्टेयर, जीन जेक्स रॉसी, इनकी जो राइटिंग थी वो भी काफी ज्यादा प्रिंट की जाने लगी और पढ़ी जाने लगी। इसीलिए जो आइडियाज थे साइंस को लेकर, रीजन को लेकर और रैशनैलिटी को लेकर, ये पॉपुलर लिटरेचर में अपना अपना दबदबा और अपना जगह बना चुके थे, अपनी जगह बना चुके थे। अब आगे देखते हैं 4.1 ट्रेम्बल देयर फॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मिड 18 सेंचुरी में एक कॉमन समझ पैदा हो गई थी सबके बीच में, या फिर कॉमन कॉमन एक विचार पैदा हो गया था कि बुक्स वो जरिया है जिससे प्रोग्रेस और एनलाइटमेंट आ सकता है या फिर फैल सकता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते थे कि बुक्स दुनिया को बदल सकती हैं और सोसाइटी को डेस्पोटिज्म से और टायरनी से मुक्त कर सकते हैं। अब देखो, डेस्पोटिज्म का मतलब यहाँ पे है बुक के अंदर ये, इसका यहाँ पे एक तरफ डेस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच एब्सोल्यूट पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल अनरेगुलेटेड बाय लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स। मतलब एक ऐसा सिस्टम गवर्नेंस का, राज करने का ऐसा सिस्टम जिसमें सारी की सारी पावर किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में होती है और वो इंडिविजुअल किसी लॉ या फिर किसी भी चीज से ऊपर होता है। कहाँ गया भाई? यस, टायरनी मतलब एक तरह का अत्याचार। और एंड हेराल्ड अ टाइम व्हेन रीजन एंड इंटेलेक्ट वुड रूल। और ऐसा टाइम लाएंगे जब रीजन और इंटेलेक्ट का ही राज होगा। लुई सेबेस्टियन मर्शियर, अ नॉवेलिस्ट इन 18th सेंचुरी फ्रांस, इसने डिक्लेयर किया था कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो प्रोग्रेस का, मतलब प्रगति का सबसे पावरफुल इंजन है, और पब्लिक ओपिनियन जो है वो एक टाइप का फोर्स है जो डेस्पोटिज्म को हटा देगा। मतलब ये जो डेस्पोटिज्म का सिस्टम है उसको पूरा खत्म कर देगा। इन मैनी ऑफ मर्सियस नॉवेल्स, इनकी नॉवेल्स में बहुत सारे हीरोज थे जो रीडिंग करने के बाद अपने आप को बदल सके, ट्रांसफॉर्म कर सके। मतलब कोई हीरो होता है वो अपनी बुक उठाता है, कोई बुक पढ़ता है, और वो बुक पढ़ने के वजह से उसके दिमाग में काफी बदलाव आता है, सोच में समझ में, और वो पूरी दुनिया को बदलने निकल पड़ता है। दे डिवोर बुक्स आर लॉस्ट इन द वर्ल्ड बुक्स क्रिएट एंड बिकेम एनलाइटेड इन द प्रोसेस। तो इस तरह के रीडर्स जो होते हैं वो बुक्स को बहुत ही डिवोशन से पढ़ते हैं और बुक्स अपने अंदर ये अलग ही दुनिया पैदा कर देती है, और इन्हीं बुक्स को पढ़ते पढ़ते उनको अल्टीमेट एनलाइटमेंट हो जाता है। कन्विंस्ड ऑफ द पावर ऑफ द प्रिंट इन ब्रिंगिंग एनलाइटमेंट एंड डिस्ट्रॉइंग द बेसिस ऑफ डेस्पोटिज्म, मर्सियर प्रोक्लेम्ड ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। तो ये जो नॉवेलिस्ट थी मर्सियर, इनको बहुत विश्वास था प्रिंट की पावर के ऊपर, कि प्रिंट की वजह से लोगों में एनलाइटमेंट आ सकता है और ये डेस्पोटिज्म को एकदम से हटा देंगी। तो इतना मान के चलती थी कि इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि आपको डरना चाहिए, इस वर्ल्ड पे अत्याचार करने वाले लोग, आप लोग को डरना चाहिए, आपको डरना चाहिए, आपको शेक करना चाहिए। जो वर्चुअल राइटर है जो आपके सामने नहीं आ रहा, फिर भी वो अपनी राइटिंग से आपको हिला सकता है। 4.2 प्रिंट कल्चर इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। मैनी हिस्टोरियंस हैव आर्ग्यूड दैट प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशंस विद इन विच फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड। कैन वी मेक सम कनेक्शन नाउ? बहुत सारे हिस्टोरियंस जो होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, उन्होंने आर्ग्यू किया है कि, तो उन लोगों ने आर्ग्यू किया कि प्रिंट कल्चर ने ही ऐसी कंडीशन पैदा की थी जिसके वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हो पाया। तो हम ऐसा कोई कनेक्शन कर सकते हैं? अब यहाँ पे तीन टाइप के आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं जो आपको बताएंगे कि जिसके वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हो सका। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे तीन आर्ग्यूमेंट बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट हैं, तो आपको अंडरलाइन कर लेने चाहिए, टिक मार्क कर लेने चाहिए, ताकि आपकी बोर्ड की एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या था, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या था? कि प्रिंट ने जो आइडियाज थे, एनलाइटमेंट थिंकर्स वाले जो आइडियाज थे, उसको पॉपुलराइज किया था, और कलेक्टिवली द राइटिंग्स प्रोवाइडेड अ क्रिटिकल कॉमेंट्री ऑन ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन एंड डेस्पोटिज्म। क्योंकि इनकी राइटिंग्स की वजह से लोगों को काफी क्रिटिकली इन सब बातों पे सोचने पे मजबूर होना पड़ा, रीति रिवाज पे, अंधविश्वास पे और डेस्पोटिज्म पे। दे आर्ग्यूड फॉर द रूल ऑफ रीजन रादर देन कस्टम एंड डिमांडेड दैट एवरीथिंग बी जज थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ रीजन एंड रैशनैलिटी। अब इस तरह के पढ़ाई करने वाले लोग जो थे वो लोग आर्ग्यू करने लगे कि हमारी सोसाइटी को कस्टम, रीति रिवाज के बेस पे नहीं, पर
लॉजिकल थिंकिंग के बेस पे रूल किया जाना चाहिए, और ये डिमांड करते कि किसी भी चीज़ को अगर जज करना है तो उसको रीज़न के बेस पे और रैशनैलिटी के बेस पे जज करो, कि लॉजिकली सोचने पे क्या होता है, सही में ठीक है या नहीं, गलत है या नहीं, इज़ इट रियली राइट और रॉन्ग, ये सब इसको बोलते हैं रैशनैलिटी। दे अटैक द सीक्रेट अथॉरिटी ऑफ द चर्च एंड डेस्पोटिक पावर ऑफ द स्टेट, दस इरोडिंग द लेजिटिमेसी ऑफ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन ट्रेडिशन। तो इन सारी बुक्स ने जो चर्च की पुरानी जो अथॉरिटी थी उसके ऊपर अटैक किया, और जो भी सरकार का डेस्पोटिक पावर था उस पर अटैक किया। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इसने जो पुराना जो रीति रिवाज है उसके बेस पे समाज को ऑर्डर में रखना चाहिए, इस बात को हटाया, इस बात को पूरी तरीके से हटा दिया कि समाज के अंदर जो ऑर्डर है वो किसके बेस पे चलेगा, पुराने रीति रिवाज के बेस पे नहीं चलेगा। द राइटिंग्स ऑफ वोल्टेयर एंड रूसो वर रेड वाइडली एंड दोज हु रेड दिस बुक्स सॉ द वर्ल्ड थ्रू देयर न्यू आईज, आईज दैट वर क्वेश्चनिंग क्रिटिकल एंड रैशनल। जो वोल्टेयर और रूसो ये जो फिलोसॉफिकल थिंकर्स थे, इनकी राइटिंग्स काफ़ी रीड की जाने लगी, और जिन लोगों ने इनकी बुक्स को पढ़ा उन्होंने दुनिया को अलग ही नज़र से देखा, एक अलग ही नज़र, ऐसी नज़र जो हर चीज़ को क्वेश्चन करती थी, क्रिटिकल थी और रैशनल थी, राइट और रॉन्ग में फ़र्क समझती थी। अब सेकेंड आर्ग्यूमेंट ये है, प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, ऑल वैल्यूज नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस वर री इवेल्युएटेड एंड डिस्कस्ड बाय अ पब्लिक दैट हैड बिकम अवेयर ऑफ द पावर ऑफ रीजन एंड रिकॉग्नाइज द नीड टू क्वेश्चन एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड बिलीव्स। सेकेंड आर्ग्यूमेंट ये है कि प्रिंट ने एक अलग तरह का कल्चर पैदा किया जिसमें बातचीत की जा सके, डिबेट किया जा सके, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको फिर से लोग री इवेल्युएट करने लगे थे और डिस्कस करने लगे थे, पब्लिक डिस्कस करने लगी थी, क्योंकि पब्लिक के पास अब वो पावर आ गई थी, रीज़न की पावर, और इन लोगों ने इस बात को समझ लिया था कि हमें एग्जिस्टिंग आइडियाज़ और बिलीव्स को क्वेश्चन करना पड़ेगा। और इसी प्रिंट कल्चर के अंदर, इसी पब्लिक कल्चर के अंदर नए आइडियाज़ आए थे सोशल रेवोल्यूशन के भी। देखा यहाँ पे सोशल रेवोल्यूशन के आइडियाज़ आए, मतलब कि सोशल रेवोल्यूशन या फिर किसी भी टाइप का रेवोल्यूशन हो सकता था। थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है, 1780s तक एक तरह का आउटपोरिंग लिटरेचर हो गया था, एक तरह का लिटरेचर उभर के आया जो उस टाइम की रॉयल्टी को, और रॉयल्टी मतलब वहाँ के किंग क्वींस और ये बड़े बड़े लोग, उनकी लाइफ को काफ़ी क्रिटिसाइज करता था, और उनकी मोरालिटी को, मतलब उनके अंदर की जो सोच समझ है अच्छाई और बुराई को लेकर, उसको क्रिटिसाइज करता था। इन द प्रोसेस इट रेज्ड, और इसी प्रोसेस में इसने काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज किए थे उस टाइम के सामाजिक ऑर्डर को लेकर। कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स टिपिकली सजेस्टेड दैट द मोनार्की रिमेंड एब्जॉर्ब ओनली इन सेंशुअल प्लेजर्स व्हाइल द कॉमन पीपल सफर्ड इमेंस हार्डशिप्स। तो बहुत सारे कार्टून्स और बहुत सारे पेंटिंग्स ऐसे कुछ बनने लगे थे जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि उस टाइप के राजा महाराजा सिर्फ और सिर्फ अपनी ऐशो आराम जिंदगी में, अपने ऐशो आराम में व्यस्त थे, जबकि जो कॉमन पीपल है वो बेचारा बहुत ही हार्डशिप वाली जिंदगी जीता था। दिस लिटरेचर सर्क्यूलेटेड अंडरग्राउंड एंड लेड टू द ग्रोथ ऑफ हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स अगेंस्ट द मोनार्की। अब इस तरह का जो लिटरेचर था जो राजा महाराजा उनके जीवन को क्रिटिसाइज करता था, ये अंडरग्राउंड मतलब सीक्रेटली ये लोगों में सर्कुलेट होने लगा था, और जिसको पढ़कर लोगों के मन में मोनार्की को लेकर बहुत ही अनप्लेजेंट सेंटिमेंट्स पैदा होने लगे थे। हाउ डू वी लुक एट दिस आर्ग्यूमेंट्स, अब किस तरह से इन आर्ग्यूमेंट्स को देखेंगे। देर कैन बी नो डाउट दैट द प्रिंट्स हेल्प द स्प्रेड ऑफ आइडियाज, अब कोई डाउट नहीं है कि प्रिंट के वजह से आइडियाज स्प्रेड हुए, लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि लोग सिर्फ एक तरीके का लिटरेचर नहीं पढ़ते थे, उनको अलग अलग टाइप की बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था, सबके सब लोगों को एक ही टाइप की बुक्स में इंटरेस्ट नहीं था। अगर वो लोग वोल्टेयर और रूसो के आइडिया को पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि मोनार्की क्या है, मोनार्की और चर्च, और उनको ये भी पता चलता कि चर्च का प्रोपेगेंडा, मतलब मोनार्की और चर्च का प्रोपेगेंडा भी उनको पता चलता। तो अगर पॉलिटिकल राइटर्स या फिर फिलोसॉफर थिंकर्स की बात ये लोग पढ़ रहे हैं तो ये लोग ये भी देखेंगे ना कि चलो राजा महाराजा के बारे में अगर लिखा है तो उन लोग के तरफ से क्या लिखा हुआ है, वो पढ़ते हैं। अब ये किसी भी चीज़ को अगर पढ़ते और देखते तो उससे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं होते थे,
इनमें से बहुत सारी बातें थी, कुछ आइडियाज थे जिसको वो एक्सेप्ट करते और बाकी सारे आइडियाज को रिजेक्ट भी करते थे। अब ये अपने ही तरीके से हर चीज को समझते थे। प्रिंट ने डायरेक्टली इनके माइंड्स को शेप नहीं किया था, लेकिन इसी प्रिंट ने बहुत सारी पॉसिबिलिटी खोल दी थी। इसी प्रिंट ने इनको सोचने पे मजबूर कर दिया था, कि अलग तरीके से सोचने पे मजबूर कर दिया था प्रिंट ने। ऐसी पॉसिबिलिटी आ गई थी समाज के अंदर। अब देखते हैं आगे जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है द 19th सेंचुरी, ये हम देखेंगे आगे की वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल। दिस इज राजकुमार यादव साइनिंग ऑफ।